वेलकम टू आर चैनल इंडियन मॉम केयर। मैं हूँ ऐश्वर्या। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि गर्भावस्था के दौरान आपके प्राइवेट पार्ट में पेन होना, जांघों में पेन होना, पैरों में पेन होना, कमर में पेन होना, पीठ में पेन होना, यानी दर्द होना, इन सारे जगहों पर दर्द होना, इससे रिलीफ के लिए क्या करें, इस दर्द को कम कैसे करें, क्यों ज़्यादातर प्रेग्नेंट औरतों में ये दर्द पाया जाता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने में, जैसे कि 1 से 3 महीने की अगर बात करें, तो जो शुरुआती महीना होता है उसमें आप देखोगे बहुत सारी औरतों को पेट के निचले सतह में दर्द होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर वो दर्द कंटिन्यूअस है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब कि आप सहन नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। अगर दर्द लाइट है, आपने डॉक्टर से बात किया है, डॉक्टर ने आपको दवा दी है या फिर बोला है कि आप ऐसा है कि अगर लाइट पेन है तो आप थोड़ा सा आराम करो, फिर मतलब आप आराम करो अपने प्रेगनेंसी में, ये बोला है, लेकिन अगर पेन रहता है तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि उसके पीछे के कारण को आपको जानना है कि क्यों हो रहा है वो दर्द। ओके, उसके बाद ये प्रेगनेंसी में पेट के निचले सतह पे बिल्कुल हल्की हल्की दर्द नॉर्मली बहुत सारी लेडीज़ को होती है, क्योंकि शुरुआती दौर पे गर्भाशय जो है वो कह सकते हैं कि स्ट्रेच होते रहता है। ओके, तो इसलिए ये पेन होता है। अब जब जैसे जैसे डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, दिन बीतता जाता है, हम बात करते हैं लास्ट मंथ में, 8वें और 9वें महीने में, उस वक्त आपको पेन ज़्यादा सहना पड़ेगा। जैसे कि लेबर पेन भी हो सकता है, खैर वो तो अलग बात है, लेकिन आपके जांघों में दर्द, पैरों में दर्द, प्राइवेट पार्ट में दर्द, आपके कमर में दर्द, आपके पीठ में दर्द, सारे जगहों पर आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा। हाथों में दर्द, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, इधर इधर के बाएं पोर्शन में दर्द, ये तो जब आप बाएं करवट लेती हैं, सोती हैं, तब आपको बाएं पार्ट में ज़्यादातर पेन होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए आप दाएं करवट सो सकती हैं। आपके प्राइवेट पार्ट में पेन क्यों होता है? तो जब बेबी का हेड डाउन होता है, जब बेबी अपना सिर नीचे की ओर करता है, तो गर्भाशय का मुंह धीरे धीरे खुलने लगता है, बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलने लगता है और बेबी का हेड आपके प्राइवेट पार्ट के एरिया में दबाव डालने लगता है, जिसके कारण आपको वहाँ टिस जैसी, चुभन जैसी दर्द महसूस होगी। उसके लिए आपको क्या करना है? आपको करना ये है कि आपको वॉक करना है। जब आपको दर्द महसूस हो, आपको बैठना नहीं है एक जगह, आपको वॉक करना है। आपको अगर थोड़ी थोड़ी सुसुम पानी, बहुत गर्म पानी नहीं, बहुत ठंडा पानी नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा सुसुम पानी पीना है, गुनगुना पानी कहते हैं, वो गुनगुना पानी पीना है जब भी आपको दर्द महसूस हो। अगर ये दर्द थोड़ी देर के लिए होता है और फिर चला जाता है तो ये नॉर्मल है। वहीं अगर ये दर्द पेट के निचले सतह में होता है और आपको ब्लीडिंग की थोड़ी बहुत स्पॉटिंग दिखाई देगी और दर्द बहुत ज़्यादा है, तो फिर हो सकता है कि ये लेबर पेन है, और अगर ये लेबर पेन नहीं है तो फिर आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद पैरों में दर्द, जांघों में दर्द, गर्भावस्था के लास्ट मंथ में या लास्ट ट्राइमेस्टर में बॉडी काफ़ी ज़्यादा हेवी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाती है, वेट गेन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो ये ऊपर का जितना भी वेट है ये आप कहाँ दबाव डाल रहे हो? अपने पैरों में, जिसके वजह से आप देखोगे कि पैरों में सूजन हो जा रही है, पैरों के तलवों में, फीट में आपके सूजन हो रही है, या फिर जांघों और पैरों में दर्द हो रही है। तो ये, और दूसरा कारण ये है कि जब बेबी हेड डाउन करता है तो वहाँ के बोन जो है वो स्ट्रेच हो रहने लगते हैं, और वहाँ से मतलब कह सकते हो कि स्ट्रेच होकर नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपने आप को तैयार करने लगते हैं, जिसके कारण जांघों में और पैरों में और कमर में दर्द होता है। तो ये सारे कारण हैं। रिलीफ करने के लिए आपको वॉक करना है, अपनी डाइट को अच्छा रखना है, आप गुनगुने पानी से स्नान करें तो ये दर्द जा सकता है। पैरों के दर्द को दूर करने के लिए आप गुनगुने पानी में थोड़े देर के लिए पैर को रख के छोड़ दें तो थोड़ा बहुत दर्द जो है कम होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको गर्भावस्था के दौरान आपको सहनी पड़ सकती है। तो नर्वस नहीं होना है। अगर आपको लगे कि ये सिचुएशन मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ है
और ये नई चीज़ें हैं और ऐसा लग रहा है कि ये डेंजरस चीज़ें हैं, तो तुरंत डॉक्टर से अपने कंसल्ट करें। तो धन्यवाद, फिर से मिलूंगी एक अच्छे से वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं।